गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि 16-13 का क्राउन पिनियन कैसे फिटिंग करते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप दे सकते हैं। क्राउन थाली जो उसकी टीथ कटी हुई है और पिनियन की टीथ कट चुकी है जिसको हम चेंज करेंगे, उसके बारे में आपको फिटिंग करके पूरा दिखाएंगे। उसके पहले चलिए छोटा सा इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवक कुशवाहा और मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक मेरे चैनल मैकेनिक ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे क्या होगा दोस्तों, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू सबसे पहले आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देख सकते हैं हमने क्राउन को पहले ही स्पाइडर किट में फिट कर लिया है, जो स्पाइडर किट असेंबली है उसमें क्राउन को फिट चेंज कर लिए हैं, जिससे टाइम ज़्यादा ना हो। और चलिए हम पिनियन को हाउसिंग में फिटिंग करते हैं। देख सकते हैं बैग बैरिंग पहले ही हमने पिनियन में फिटिंग कर लिया है। पिनियन में कुल 6 टीथ हैं और जो क्राउन में है उसमें 37 टीथ होती है। देख सकते हैं हमने हाउसिंग को एक बार चेक कर लेते हैं घुमा के, प्ले तो नहीं है, और फिर दूसरी बैरिंग को भी फिटिंग कर लेते हैं जो टेल पिनियन की है। उसके बाद में फिर हम कोन को फिटिंग करेंगे। कोन फिटिंग होने के बाद, सील फिटिंग करने के बाद बॉडी में लगाएंगे। देख सकते हैं चारों तरफ बैरिंग को अच्छे से फिटिंग कर देते हैं, जिससे कि पिनियन में प्ले ना रहे टेल पिनियन में। देख सकते हैं आप लोग हल्का सा प्ले लग रहा है। चलिए हम एक बार स्पेसर को निकाल के ग्राइंडर मार के फिर फिटिंग करते हैं, जिससे प्ले एक भी नहीं रहेगा। अगर प्ले रहेगा दोस्तों तो पिनियन की टीथ फिर से कट जाएंगी, जबकि हमने पहले ही आप लोग को दिखा दिया है। देख सकते हैं टेल पिनियन का नंबर है, आप पार्ट नंबर डाल के भी मंगा सकते हैं पिनियन को, और मॉडल के हिसाब से मंगा सकते हैं। दोस्तों मैंने आई बटन पर लिंक दिया, अगर आपको 6VT इंजन का वीडियो देखना है, पिस्टन कैसे असेंबल करते हैं, कैसे डिसमेंटल करते हैं उसके बारे में, तो आप मेरे आई बटन पर जाके दे सकते हैं। देख सकते हैं हमने बैरिंग को भी फिट कर दिया है। एक बार फिर से हाउसिंग को घुमा के देख लेते हैं, जिससे कि प्ले ना रहे एक भी, और उसके बाद में फिर ऑयल डाल के हल्का चेक कर लेते हैं, जिससे साउंड भी चेंज हो जाएगा ऑयल डालने से। 10 ग्राम ऑयल डाल के चेक कर लेते हैं। और चलिए एक बार फिर से पिनियन को निकाल के टीथ दिखा देते हैं आप लोग, कितनी टीथ है, जो कि 16-13 मॉडल का टेल पिनियन है, असल में जो कि 6 टीथ है जिसमें। चलिए अब हम ऑयल सील को भी फिटिंग कर देते हैं टेल पिनियन की, और ऑयल सील को सही से लगाएं, अगर टेपर लगाएंगे तो डैमेज हो जाएगी। देख सकते हैं हमने सील को फिटिंग कर दिया है। फिटिंग होने के बाद फिर क्राउन कैसे फिटिंग करेंगे उसके बारे में दिखाएंगे आगे। देख सकते हैं हमने सील को बराबर फिटिंग कर दिया है। चलिए जो फ्लंच है उसको भी फिटिंग कर देते हैं, जो कि शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और जो टेल पिनियन है वो क्राउन की बॉडी में फिटिंग हो जाएगा। देख सकते हैं फ्लंच फिटिंग हो गया, फ्लंच के सभी बोल्टों को डाल के फुल टाइट कर देते हैं। देख सकते हैं फ्लेंच भी सही से फिटिंग हो चुका है, चलिए फ्लेंच के बोल्टों को सबको टाइट कर देते हैं। उसके बाद में हम क्राउन को फिटिंग करेंगे बॉडी में, और पिनियन को भी फिट कर देंगे। पिनियन फिटिंग होने के बाद क्राउन फिटिंग करेंगे। चलिए चेक नट को भी फिट करें, जो कि 50 नंबर का चेक नट है, यही है जो कि पिनियन को जाम करके रखता है, जिससे पिनियन फ्री ना हो। चलिए हम पिनियन को चेक नट को फुल टाइट कर देते हैं, जिससे पिनियन बाहर ना आए और सील भी लीकेज ना हो। देख सकते हैं हमने पिनियन को फुल टाइट कर दिया है। चलिए अब हम टेल पिनियन को क्राउन की बॉडी में फिट कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये पैलेट बैरिंग है,
जिसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। चलिए हम पायलट वायरिंग को भी फिटिंग कर देते हैं और उसके बाद में फिर क्राउन की हाउसिंग में टेल पिनियन को फिटिंग कर देंगे। उसके बाद में क्राउन का प्ले और एडजस्ट एडजस्टिंग दिखाएंगे आप लोग को। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन को दबाएं। देख सकते हैं हमने पायलट वायरिंग को फिटिंग कर दिया है। और दोस्तों अगर हल्का सा प्ले अगर है तो सिम भी डाल सकते हैं। चलिए हम एक सिम को डाल के देख लेते हैं, अगर ज़्यादा प्ले होगा तो और सिम बढ़ाएंगे और अगर नहीं होगा तो एक ही सिम डालेंगे। चलिए अब हम टेल पिनियन को फिटिंग कर देते हैं हाउसिंग में। देख सकते हैं हमने टेल पिनियन को क्राउन की बॉडी में फिटिंग कर दिया है और उनके बोल्टों को भी फिट कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों जो एक साइड से बोल्ट लगा हुआ आप लोग को दिख रहा है वो क्राउन को रोक के रखता है जब अपना शाफ्ट अप टूट जाता है, तो जिससे वो बाहर ना हो और उसकी टीथ ना टूटे। चलिए अब क्राउन के बोल्ट को भी फिटिंग कर देते हैं। देख सकते हैं सभी बोल्ट को फुल टाइट कर दिया है। चलिए अब हम क्राउन की बॉडी घुमा लेते हैं और क्राउन फिटिंग करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैप लगेगी और बेयरिंग कोन की। देख सकते हैं आप लोग टेल पिनियन सही से फिटिंग हो चुकी है और क्राउन को भी अब चलिए फिटिंग कर देते हैं, जिसकी 37 टीथ हैं और स्पाइडर किट असेंबली में कोई दिक्कत नहीं थी तो स्पाइडर किट हमने चेंज नहीं किया ना ही उसके वाशर को। देख सकते हैं दोनों साइड की बेयरिंग को हमने फिटिंग कर लिया है। एक बार बेयरिंग को हल्का सा प्रेस करके देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद है हो तो लाइक अवश्य करें हमारे चैनल को और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि वीडियो कैसा लगा। देख सकते हैं हमने क्राउन को फिटिंग कर दिया है। दोस्तों जो अपना क्राउन है वो पिनियन के साइड लूज होगा और क्राउन के साइड एडजस्टिंग होगा। चलिए अब हम सबसे पहले कोन को लगा लेते हैं लेफ्ट साइड के। कोन लगाने के बाद कैप को भी फिटिंग कर देंगे, उसके बाद राइट साइड के कोन और कैप को फिटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में एडजस्टिंग करके दिखाएंगे कितना क्राउन में प्ले रखना चाहिए और कितना नहीं। चलिए चेकनेट को भी फिट कर लेते हैं और कितना लूज करेंगे चेकनेट को और दूसरी साइड के चेकनेट को कितना टाइट करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं हमने लेफ्ट साइड के कैप को भी फिटिंग कर लिया, उसके चेकनेट को भी फिटिंग कर लिए हैं लेफ्ट साइड को। अब चलिए राइट साइड के कोन और कैप को फिटिंग करेंगे, उसके बाद में चेकनेट को दोनों को फुल टाइट करने के बाद फिर क्राउन को एक बार घुमा के चेक करेंगे कितना प्ले आ रहा है और कितना नहीं। देख सकते हैं हमने लेफ्ट साइड के चेकनेट को फुल टाइट कर लेते हैं। चेकनेट को फुल टाइट होने के बाद राइट साइड के बीच कोन और कैप को फिटिंग कर देंगे, उसके बाद में चेकनेट को देख सकते हैं। चलिए हल्का सा क्राउन को उठा लेते हैं जिससे कोन फिटिंग हो जाए सही से। यहीं से दोनों का प्ले एडजस्ट होता है। देख सकते हैं कैप को हम फिटिंग कर रहे हैं, कैप के बोल्ट को टाइट करने के बाद चेकनट को लगाएंगे, उसको भी टाइट कर देंगे, उसके बाद में हम क्राउन को
चेक कर लेंगे कि बराबर एडजस्ट हुआ है नहीं। चलिए कैप के बोल्ट को फुल टाइट कर देंगे, उसके बाद में चेक नट को लगा के फुल टाइट कर देते हैं, जिससे अपना चेक नट भी सही से फिटिंग हो जाए। उसके बाद में दिखाएंगे कि किस साइड का कितना लूज करेंगे और कितना टाइट करेंगे, जिससे अपना क्राउन सेट होगा और कितने में प्ले रहेगा और नहीं रहेगा, उसके बारे में आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम लेफ़्ट साइड के दो थ्रेड को अगर लूज करेंगे तो राइट साइड में दो थ्रेड को टाइट करेंगे, उसी से अपना क्राउन सेट होता है और प्ले नहीं रहता उसमें। देख सकते हैं हमने पहले लूज किया है और फिर दूसरी साइड को टाइट कर रहे हैं। टेल पिन की तरफ लूज करेंगे और कॉर्न की तरफ टाइट करेंगे, जिससे अपना प्ले सही से एडजस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, हमने उधर दो चूड़ी लूज किया था और इधर हम टाइट कर रहे हैं क्राउन की तरफ। देख सकते हैं अभी भी प्ले है। चलिए कि दो दो चूड़ी और लूज करके इधर टाइट कर लेते हैं। जिससे सही से क्राउन अपना फिटिंग हो जाए और एडजस्ट, जिससे टीथ देख सकते हैं अभी भी हल्का हल्का प्ले आ रहा है। एक बार और क्राउन की तरफ चेक नट को लूज कर लेते हैं और टेल पिन की तरफ के चेक नट को लूज कर देंगे। इससे सही से प्ले एडजस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अभी लगभग में पूरी तरह से क्राउन फिटिंग हो चुका है और प्ले भी नहीं है। एक बार आप दोनों को फुल टाइट कर देंगे, उसके बाद में ग्रीस लगा के हल्का सा चेक कर लेंगे, जिससे कितने पे अपना क्राउन फिट हो रहा है और कितने पे टीथ चलेगी और कितना एडजस्ट हो रहा है उसके बारे में भी। देख सकते हैं दोनों साइड को फुल टाइट कर दिए हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्राउन को कितना प्ले आ रहा है। देख सकते हैं अपना क्राउन फुल सही से सेट हो चुका है और हमने चेक नट के दोनों को भी टाइट कर दिया। चलिए चेक नट को हम ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें हम स्पीड पिन में या चीरा पिन भी बोलते हैं, उसको हम फुल लॉक करके रख देंगे, जिससे अपना चेक नट बाहर ना निकले। देख सकते हैं एक साइड की चेक नट हल्का सा लूज हो रहा था, उसको भी टाइट कर दिए हैं और चीरा पिन या स्पीड पिन लगा के हम चेक नट को लॉक कर देंगे। देख सकते हैं क्राउन में लगभग फिटिंग हो चुका है और फुल एडजस्ट भी कर दिए हैं। चलिए ग्रीस लगा के एक बार क्राउन को हम घुमा के देख लेते हैं, रोटेट करके कितना ग्रीस काट रहा है और कितने पे सेट हो रहा है, और उसको जो दूसरा पुराना वाला क्राउन है उसको भी एक बार चेक कर लेंगे कितने पे चल रहा था। देख सकते हैं, चलिए हम एक बार क्राउन को घुमा के देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों अपना सही से क्राउन सेट हो चुका है और ग्रीस भी निकल चुकी है। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं दोस्तों हाफ टीथ से ग्रीस चल रही है, मतलब क्राउन अपना सही से सेट हुआ है। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोग का।